हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल SCSTS में मैं तहे दिल स्वागत करता हूं। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो जो है आप क्या है, वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का है, जो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। और ये वीडियो मेरा फोर्थ होने वाला है, जो इंटीग्रेशन का लेक्चर था ये लास्ट है, जिसमें हम लोग 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से एक या दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इस वीडियो को देखेगा, इस वीडियो से 5 नंबर उसका फिक्स हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन को नोट करते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन सभी लोग 12th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस क्वेश्चन को करना है, इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो ठीक है, उसको पढ़ने से मतलब कुछ नहीं है। लेकिन ठीक, देखिए देखिए क्या है, लिखते हैं क्वेश्चन। x प्लस ए का होल क्यूब और अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, अपॉन में रूट एक्स के डी एक्स इसका निकालना है, ठीक है, डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को पुट करेंगे। जब पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3, ए की जगह पे एक्स आएगा और बी की जगह पे ए आएगा, ठीक है, और यहाँ भी रखेंगे एक्स प्लस ए, ठीक, और यहीं डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इस संख्या पे पुट करेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या जाएगा, एक्स की पावर क्यूब ए की पावर क्यूब प्लस 3 से 3 और इसमें 3xa से इंटू कराएंगे, इसमें क्या जाएगा, 3x की पावर 2 और a प्लस 3a² x, ठीक है, इतना मेरा आया। इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए तो पुट करके देखते हैं, सॉल्व करके क्या होता है। तो क्या है, ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x² ए प्लस 3a² x का डी एक्स, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज कर लेते हैं, फार्मूला भी नोट करते रहिएगा साथ में, क्योंकि और जो बेसिक फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेगा, चाहे चैनल पे जाके देख लेगा, ठीक है। तो चलिए, और ये अपॉन में क्या है, रूट थ्री, तो उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग अलग कर सकते हैं, क्या है, ईजिली अलग कर सकते हैं। तो ईजिली जैसे अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन में रूट एक्स डी एक्स प्लस ए क्यू अपॉन में रूट एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3x² ए रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a² एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। चलिए तो x एक्सिस जो है हम लोग का वेरिएबल, उसी को रखेंगे और जितना कांस्टेंट है हम उसको बाहर ले आएंगे। यहाँ पे तो है, इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि x है, एक्स रूट एक को हटाते हैं तो क्या होता है, उसके पावर 1/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है, और इसके ऊपर अगर यहाँ पे हमको ऊपर ले जाना है तो क्या करते हैं, एक्स की पावर -1/2 रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, एक्स की पावर -1/2 रखते हैं। तो यही इसी तरह सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो रूट एक्स को ऊपर जब ले जाएंगे, क्या समाकलन रूट थ्री प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस नहीं, क्या रहेगा, जाएगा इनटू में एक्स -1/2, ठीक, और ये हो जाएगा, ये एक्स कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट है तो क्या जाएगा, ए क्यूब अपॉन में यही, ये भी जाएगा एक्स की पावर 1-2 डी एक्स, डी एक्स ना भूलिएगा, डी एक्स को अपना लगाना जरूरी है, तभी तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डी एक्स का मतलब है किसके सापेक्ष आप अवकलन या समाकलन, नहीं समाकलन या किया जा रहा है, जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है, ए है और थ्री है, तो ए और थ्री को बाहर लेते हैं,
क्या हो जाएगा, a और 3 को बाहर रखेंगे और x स्क्वायर अपॉन में, अपॉन नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2, ठीक, प्लस और यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा a, क्या है 3a स्क्वायर, ठीक, और यहाँ अपना x है, यहाँ भी x है और अपॉन में रूट x है, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, ठीक, यहाँ तक हो गया। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं, नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा जो वाइट बोर्ड है थोड़ा छोटा है, छोटा है तो क्या हुआ, और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे क्या होता है, गुड़े में घाते जुड़ती हैं, तो गुड़े में घाते जब जुड़ती हैं तो इसको जोड़ेंगे, तो मान लीजिए डायरेक्ट अभी अच्छा नहीं समझ आ रहा आप लोग को, तो डायरेक्ट जैसे कि एक्स माइनस 1/2 एक्स है नहीं, पावर क्या रहेगा 3 रहेगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसका जब इंटू कराएंगे तो क्या है 6 हो जाएगा, और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 5/2, ठीक राइट। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, x की पावर 5/2 डी एक्स, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे क्या यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा ए क्यू जो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही है 1-2 डी एक्स, प्लस जब ये क्या है कांस्टेंट है तो 3a बाहर आ जाएगा, इसको जब करेंगे तो क्या है 2-1 कितना जाएगा 2, 4 और माइनस 1 क्या जाएगा 3/2 क्या जाएगा 3/2, तो x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की पावर हो जाएगा 3/2 और क्या आ जाएगा डी एक्स, प्लस जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है 3a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका जैसे 1 है और माइनस 1 है, 1-1/2 तो क्या आ जाएगा 2-1/2 क्या जाएगा 1/2, तो फाइनल क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 डी एक्स, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे भी आप लोग जैसे कि इजीली कर पाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था थोड़ा, और ये फार्मूला जैसे कि आप लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला देखे होंगे x की पावर n डी एक्स, ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ठीक, इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन तो हो गया, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो x की पावर 5 प्लस n है ना 2 प्लस 1 और अपॉन में 5/2, ठीक, प्लस a क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2 और माइनस नहीं प्लस ये हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक, हाँ, और यहाँ प्लस 3a, अब इसका हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 रहेगा यहाँ पे भी, देखिए यहाँ तक हो गया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा x की पावर n बाई 2 प्लस 1 और अपॉन में n बाई 2 प्लस 1, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7/2 ऊपर आ गया, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 7/2 ईजिली आ जाएगा 7/2, ठीक है, प्लस a क्यूब, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा 1/2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2, ठीक, प्लस 3a जब आ जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा जैसे 2 और 2 3 क्या आ जाएगा 5/2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 3a स्क्वायर और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 1 3 एक्स की पावर क्या आ जाएगा 3/2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/2। चलिए फाइनल आंसर लिख लेते हैं ऊपर, फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है तो आप लोग को भी नोट करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 7/2 और ये 7/2 है तो क्या ऊपर जब जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/7 प्लस इसका भी जब ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 2a की पावर 3 और x की पावर 1/2, ठीक,
और ये क्या जाएगा 3, ये क्या जाएगा 2/5 और एक्स की पावर 5/2 प्लस ये क्या जाएगा 3a² और ये क्या हो जाएगा 2/3 और एक्स की पावर क्यूब 3+c। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया है, यही है फाइनल आंसर आप लोग का, नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चोट लगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट के तौर पे उस क्वेश्चन को भी नोट करते हैं। और ये क्वेश्चन तो थोड़ा आप लोग ट्वेल्थ में देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या है, sec x प्लस 10x अपॉन में क्या है sec x माइनस 10x का अवकलन। ठीक, अवकलन नहीं, इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। तो परिमेयकरण करते समय हम लोग बातों का या कह सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रखते हैं परिमेयकरण करते समय ये बातों का ध्यान रखते हैं। जब अंश अपॉन हर हो तो हर को देखते हैं, हर अगर माइनस में है तो परिमेयकरण क्या करेंगे, प्लस से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस से हम लोग परिमेयकरण करेंगे। चलिए, तो परिमेयकरण यहाँ करते हैं, परिमेयकरण मतलब ऊपर नीचे इंटू कराना, सेम संख्या से ऊपर नीचे इंटू कराना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे और क्या हो जाएगा sec x प्लस 10x अपॉन में sec x माइनस 10x और ऊपर नीचे क्या करेंगे sec x प्लस 10x और अपॉन में sec x प्लस 10x से इंटू कराएंगे। यहाँ पे dx रह जाएगा आपका, जब इंटू कराएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और मैं बेसिक फार्मूला बता दूं, क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 10² x = 1, इसका बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10² x, इसका होल क्या हो जाएगा dx। ठीक, तो इसका वैल्यू तो हमें 1 पता है, तो 1 रख लेते हैं, कि 1 हट गया तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। और जब भी किसी का लेक्चर देखा करिए तो क्या होता है, बुक और पेन या रफ लेकर बैठेंगे तो और इजीली और बहुत ही मज़ा आता है लेक्चर देखने में। तो होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 10² x प्लस 2 sec x 10x। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 10 स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। ये बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग को याद होना चाहिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला भी प्लेलिस्ट में सब पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव थोड़ा सा पुराना हो गया है तो क्या हुआ है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ से देखिए, इसको ऐड करेंगे 10 की जगह पर रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x प्लस 10x का टोटल का dx हमें ज्ञात करना है। तो अब हो जाएगा ये, चलिए फार्मूले को इरेज कर देते हैं और देखते हैं, देखेंगे यहाँ से। तो इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर कर लेते हैं और क्या बोलते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sec x और dx माइनस सेकेंड वाला 1 का करेंगे तो 1 का dx प्लस 2 sec x 10x का dx। ठीक, इसका डायरेक्ट हमें पता है, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 10, तो इसका क्या हो जाएगा 2 10x और इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 है तो 1 का क्या हो जाता है माइनस x, इसका क्या हो जाता है sec x क्या हो जाएगा 2 प्लस c। ये फाउंड आउट हो गया है और इजीली आप लोग भी
फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जाते समय एग्जाम देते समय इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा या इजीली देख सकते हैं और काफ़ी समझ में आएगा। कुछ बच्चे तो देख के ही डर जाएंगे इस क्वेश्चन को करते समय, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है 5dx और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें भी यही करना है, क्या करेंगे इसमें भी यही करना है, कॉस क्या बोलते हैं ऊपर नीचे कुछ नहीं। अगर देखिए अगर आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और क्वेश्चन को देख रहे हैं और इजीली समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं समझ पा रहे तो उसमें ध्यान दीजिएगा क्या गुणा भाग, क्या गुणा भाग करके इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, या इस क्वेश्चन के बेस पे कोई बेसिक फार्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यूज करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और क्या है अंश और हर में भाग देने पर, ठीक लिख लीजिएगा भाग देने पर। चलिए तो हम लोग भाग देते हैं, इजीली हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। यहाँ से कॉस के कॉस कट जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा। जब आगे जाएंगे 1 बाई क्या होता है 1 बाई कॉस एक्स क्या लिखते हैं सेक एक्स, ठीक है। 1 बाई कॉस को क्या लिखते हैं सेक एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा ये कट गया क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये तो और ही ईजिली हो चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल 1। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे sec की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, यही बेसिक फार्मूला जो होगा आप लोग का यूज होगा यहाँ पे यूज होगा। तो क्या जाएगा जैसे कि हो जाएगा ये 5 तो बाहर ही रहेगा ईजिली और सेक के पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 और अपान में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। 6 स्क्वायर x आ जाएगा, इसको अलग अलग हम लोग ये आसानी से कर सकते हैं, क्या है अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। तो अलग अलग आसानी से करते हैं, क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x अपान में sin स्क्वायर x 1 अपान में sin स्क्वायर x, ठीक। इसको तोड़ते हैं, 10 का क्या होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है 10x होता है, ठीक है। और इन भाई मैं बता दूं 1 अपॉन साइन एक्स को लिखते हैं कॉस एक्स, और जितना बेसिक फार्मूला बताया करें आप लोग नोट किया करिए, ठीक है। नोट करने से आप लोग कभी भी अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं नहीं समझ में आता है जो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट बन बताया जाता है तो आप लोग नोट करेंगे तो इसको आप लोग को फ़ायदा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू इंटू नहीं है प्लस है सॉरी क्या है यहाँ पे प्लस है और 1 बाई साइन स्क्वायर डी एक्स डी एक्स ध्यान दिया रहेगी हर समय डी एक्स आपका लगेगा डी एक्स आप छोड़ देंगे तो आंसर आपका कट जाएगा, आंसर नहीं कटेगा लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ कॉसाइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 बचेगा यहाँ पे साइन है अभी मैंने बताया कॉस है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी मैंने बताया कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सभी का बेसिक फार्मूला होता है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग फिर से मैं बता रहा हूँ वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि फार्मूला अगर जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा 10x और यहाँ पे क्या होता है इसका माइनस होता है कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका होता है क्या होता है कॉट x, ठीक। ये जहाँ तक फाइनल आंसर जहाँ तक नहीं ये राइट आंसर है इट इज प्रूव्ड।
ठीक है। और आपका इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे कि हर पेपर में, लगभग में हर सेट में या ट्वेल्थ में भी आप लोग इस, अगर ट्वेल्थ बच्चे जो होंगे वो करके आएंगे, इस क्वेश्चन को किए होंगे और देखे भी होंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाए। इसी तरह 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx, चलिए तो इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x प्लस प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x प्लस 2 10 x cot x, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं कि 10 का उल्टा क्या होता है cot, और cot का उल्टा 10, ठीक। इससे प्रूव हो चुका है। तो जैसे कि क्या होता है, 10 का क्या लिखते हैं, साइन अपॉन cos x, और cot को लिखते हैं cos अपॉन क्या लिखते हैं, साइन x। कट जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाता है। तो 1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x और cot स्क्वायर x प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा, 1, जिसका हट जाएगा, ठीक है। टोटल का हमें dx निकालना है, टोटल का dx निकालना था। जब टोटल का dx निकालेंगे तो ऐसा फार्मूला नहीं बना है, 10 का नहीं बना है, लेकिन sec का और cosec का बना है। तो जैसे कि बेसिक फार्मूला आप लोग देखे थे, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 1 था, ठीक है। और ये क्या था, और क्या था, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसी से बेसिक फार्मूला हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x प्लस 1, प्लस नहीं रखेंगे, माइनस होता है फार्मूला, माइनस रखेंगे dx, प्लस यहाँ पे रखेंगे cot के जगह पे लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, इसका करेंगे dx प्लस 2 प्लस 2 1 dx, ठीक। इतने का हम लोग करेंगे, फार्मूला भी इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को भी ध्यान से करते हैं। तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x x dx माइनस 1 dx प्लस cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx प्लस 2 1 dx। चलिए तो इसका फार्मूला होता है sec स्क्वायर x dx का क्या होता है, 10x होता है, ठीक है। और माइनस x प्लस cot, नहीं क्या होता है, हाँ cot होता, सॉरी cot x माइनस x प्लस 2x, ठीक। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 2, तो यहाँ काट सकते हैं 2, अरे सॉरी, ठीक, ये यहाँ पे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, 10x प्लस cot x प्लस c, इट इज सिद्धम। तो नहीं, माइनस आ रहा है, तो माइनस क्या होता है यहाँ पे, cot का क्या होता है फार्मूला यहाँ पे माइनस होता है, आप लोग भी कमेंट में कर दीजिएगा जो गलती हुआ करे, ठीक है। और चलिए तो नीचे का मिटा देता हूँ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि अगला जो रहेगा आप लोग का अगला टॉपिक, तो वो शाखंड जो है उसको पढ़ाया जाएगा, और मैं पहले फार्मूला बताऊँगा, फिर उसके बाद लेक्चर, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं बुक से नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है मैं नोट करके वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें से एक दो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जो डायरेक्ट पेपर में दिखता है, ठीक है, डायरेक्ट पेपर में दिखता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो होगा, तो लगा होगा तो नहीं, लगा है, ठीक है, तो लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा भी वीडियो से जो रिस्पांस मिलेगा तो और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को दे पाऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अंदर के साथ। तो जय